She hastened to open the door, and who should walk in but a great grizzly bear, brown bear, so tall and fierce that see he seems to fill the whole room. वो जल्दी जाती है दरवाजा खोलने के लिए, हरेट करती जल्दी से, खोलती है दरवाजे को. हु शुड वॉक इन बट अ ग्रेट ग्रिजली बियर. वहाँ पे कौन था? एक बड़ा सा ग्रिजली बियर था जो कि बहुत ही लंबा, बहुत ही डेंजरस दिख रहा था. ऐसा लग रहा था, इतना बड़ा था, ऐसा लग रहा था कि पूरे रूम को वो कवर कर लेगा, पूरा रूम इससे भर जाएगा, इस भालू से, इतना बड़ा था वो. आई हैव कम टू प्ले ब्लाइंड मैन बफ विथ यू. क्या कहता है? मैं तुम्हारे साथ ब्लाइंड मैन बफ खेलने आया हूँ. लिटिल सनशाइन सेड द बियर. बियर ने कहा, लिटिल सनशाइन, मैं तुम्हारे साथ आँख बंद करके जो गेम नहीं खेला जाता है, आँख बंद करके जो पकड़ा जाता है, तो वही गेम खेलने मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, बियर ने कहा. तो पुअर लिटिल सनशाइन, शी वॉज टू मच अफ्रेड टू स्पीक, बट द ग्रे माउस विस्पर्ड इन हर आई ईयर, डू नॉट बी अफ्रेड, आई विल हेल्प यू लिटिल सनशाइन. जो लिटिल सनशाइन थी वो बहुत ही डरी हुई होती है बियर को देख के, उससे बोलने में डर लगता है, उससे कुछ भी बोलने में वो डरती है. लेकिन जो माउस रहता है उसके धीरे से कान में फुसफुसाता है, कहता है, डू नॉट बी अफ्रेड, तुम डरो मत, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लिटिल सनशाइन. कौन कहता है ये बात? चूहा कहता है. सो लिटिल सनशाइन टाइड हर एप्रन अबाउट हर बियर्स आइज टू ब्लाइंड हिम व्हाइल शी वाज काउंटिंग 1 2 3. फिर पता क्या होता है, लिटिल सनशाइन जो है उसके अपना एप्रॉन, एक प्रकार का क्लॉथ होता है ये, उसके आइज पे बांध देती है. किसके आइज पे? बियर के आइज पे. और जब वो काउंटिंग करती है इस प्रकार से 1 2 3, उसके पास क्या होता है, द माउस ब्ले आउट द फायर, ब्ले आउट द फायर सो दैट इट वॉज अ क्वाइट डार्क एंड ही हंग अ लिटिल स्ट्रिंग ऑफ बेल्स अबाउट हिज नेक. उसके बाद क्या होता है, जो चूहा रहता है उस आग को बुझा देता है और रूम में अंधेरा हो जाता है, बहुत ही क्वाइट डार्क हो जाता है. एंड ही हंग अ लिटिल स्ट्रिंग ऑफ बेल्स अबाउट हिज नेक, और अपने नेक में एक स्ट्रिंग ऑफ बेल्स का मतलब होता है एक घंटी बांध लेता है अपने गर्दन में. ओके, क्या करता है, एक घंटी बांध लेता है. ही मेंशन टू लिटिल सनशाइन टू हाइड इन द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम. और क्या कहता है, लिटिल सनशाइन को कहता है कि तुम जाओ रूम के कॉर्नर पे, दूर पर, रूम के दरवाजा कमरे के दूर किसी कॉर्नर में छिप जाओ. एंड देन ही बिगेन डांसिंग अबाउट सेकिंग हिज बेल्स व्हाइल द बियर रैन आफ्टर हिम. और पता है, फिर माउस जो है डांस करने लगता है, सेकिंग, उछलने लगता है अपने बेल्स के साथ, घंटियों के साथ, वाइल द बियर रैन आफ्टर हिम. उसके बाद जैसे ही उछलता है, उसमें से साउंड आता है, बियर उसके पीछे पीछे जाने लगता है, जहाँ से आवाज़ आती है, जहाँ से वो घंटी बजती है, उसी के पीछे पीछे बियर भागने लगता है. लेकिन वो घंटी कौन वाला था? माउस बंधा था. दिस वे एंड दैट वैन द निबल माउस अंडर द चेयर. इस प्रकार से कभी माउस जो है चेयर के नीचे जाता है, तो कभी ऑन द टॉप ऑफ स्पिनिंग व्हील, तो कभी स्पिनिंग व्हील जो पहिया था चलाने वाला, घुमाने वाला, काटने वाला, उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो कभी टेबल पर चढ़ जाता है. एंड अ क्लम्सी बियर कुड नॉट पुट अप ऑन हिम. और उसको जो बियर था वो उसको पकड़ नहीं पा रहा था, उसके ऊपर अपना पंजा नहीं रख पा रहा था. एंड इट ग्रू टू बी नाइट. और धीरे धीरे क्या हो गया, रात हो गई. बट स्टिल दे वर प्लेइंग देयर क्विट गेम. लेकिन अभी भी वो अपने इस गेम को, ऑड गेम को खेल ही रहे थे. आई विल कैच यू ये लिटिल सनशाइन सेड द बियर. बियर ने कहा, मैं तुम्हें जल्दी पकड़ लूँगा. बट द माउस ओनली सुक हिज बेल द लाउडर एंड रैन फास्टर. लेकिन जो चूहा था सिर्फ अपने घंटी को बजाता है लाउडर तेज से, तेज तेज भागने लगता है. एट लास्ट द बियर ग्रू क्वाइट डिजी विथ सो मच ट्विस्टिंग एंड टर्निंग अबाउट. और लास्ट में क्या होता है, जो भालू रहता है बहुत ही डिजी, मतलब कन्फ्यूज हो जाता है कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, कि उसे किधर जाना है, वेयर टू गो, वेयर टू नॉट गो. वो कन्फ्यूज जाता है किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ, बहुत सारे ट्विस्टिंग टर्निंग, मुड़ने के बाद, ढूंढने के बाद, इधर उधर जाने के बाद वो थक जाता है. ओके, एंड जस्ट एज द फर्स्ट डे लाइट कम इन द थ्रू द विंडो. और जैसे ही पहली दिन की रोशनी खिड़की के अंदर पड़ती है, तो ही पुल द बैडनेस फ्रॉम हिज आइज. वो अपने आइज से बैडनेस को हटा देता है. एंड क्राइड आउट, और कहता है, इनफ इनफ, बस बस अब बस करो लिटिल सनशाइन, बस करो अब, यू आर अ बेटर प्लेयर देन आई एम. वो पूरी तरीके से थक चुका होता है और कहता है, बस करो, स्टॉप करो, तुम मुझसे अच्छी खिलाड़ी हो, मैं ये बात मान गया. ओके, द माउस रैन अप द चिमनी एंड लिटिल सनशाइन केम लॉपिंग आउट ऑफ द कॉर्नर. और जो माउस था वो चिमनी के ऊपर भाग जाता है, और लिटिल सनशाइन जो है हंसते हुए बाहर आती है कॉर्नर से, एंड सेट डाउन एट अ स्पिनिंग व्हील अगेन. और अपने स्पिनिंग व्हील पे फिर से बैठ जाती है. द बियर लुक्स एट अ सनी लिटिल फेस और स्माइल्स एंड डिंपल्स एज एंड ही सेड. द बियर जो है, जो भालू जो था, उसके सनी लिटिल फेस को देखता है, चमकते हुए चेहरे को, उसके स्माइल्स और डिम्पल्स को देखता है और कहता है, क्या कहता है, विल यू पुल मी आउट ऑफ माई स्किन लिटिल सनशाइन.
पता है उसे क्या कहता है, क्या तुम मेरे स्किन से इसे हटा दोगी, क्या तुम मेरा ये मुखौटा, मेरा ये चेहरा हटा दोगी। तो आपको पता है वो जो बियर रहता है ना, वो एक्चुअल में बियर नहीं होता है, वो एक प्रिंस होता है, वो अपना बियर का चेहरा लगा के रहता है। तो उसी से कहता है लिली सनशाइन से, क्या तुम ये हटा दोगी स्किन मेरे ऊपर से। तो ओह आई कुड नेवर डू डैट, कहती है लिली सनशाइन, नहीं 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 मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपको टच नहीं कर सकती। उसे डर लगता है ना बियर को देख के, तो कहती है नहीं नहीं मैं ये नहीं करूँगी। तो बियर कहता है जस्ट ट्राई सर, द बियर होल्डिंग आउट इज पाव, अपने पाव को पकड़ के कहता है कि प्लीज़ एक बार कोशिश करो, ट्राई करो। लिली सनशाइन पुल्ड एंड पुल्ड एंड पुल्ड एंड ऑफ फेल द बियर स्किन एंड देयर स्टूड अ स्प्लेंडिड प्रिंस स्माइलिंग डाउन एट हर। उसके बाद जो है लिटिल सनशाइन से पुल करती है, खींचती है उसके स्किन को, खींचती है और तेज खींचती है। खींचने के बाद बियर जो है, वो जो स्किन होता है बियर का, वो निकल जाता है, गिर जाता है। एंड देयर स्टूड अ स्प्लेंडिड प्रिंस स्माइलिंग डाउन एट हर। और वहाँ पे कौन बैठा होता है, एक सुंदर सा हैंडसम सा प्रिंस, राजकुमार, जो उसके ऊपर स्माइलिंग कर रहा होता है। ओके लिटिल सनशाइन के ऊपर। फिर क्या कहता है वो प्रिंस, यू आर टू कम होम विथ मी। एक्चुअली वो बियर तो था नहीं, तो देख के वो शॉक्ड हो जाती है, कह रही ये तो एक प्रिंस है इतना हैंडसम सा। तो प्रिंस कहता है यू आर टू कम होम विथ मी, क्या तुम्हें मेरे साथ मेरे घर आना है। प्रिंस कहता है आई लिव इन माई पैलेस ऑलवेज, और तुम्हें मेरे महल में हमेशा रहना है। सो लिटिल सनशाइन बेड गुड बाय टू हर फादर एंड मदर। इस प्रकार से लिटिल सनशाइन अपने पापा मम्मी को गुड बाय कहती है। एंड द प्रिंस गेव दैम 12 वैगन लोड्स ऑफ ग्रेन एंड 12 हॉर्सेज दैट दे माइट नॉट फील टू बैड एट लॉसिंग हर। उसके बाद जो प्रिंस होता है, जो राजकुमार आया होता है बियर बन के, वो जो है उसके माता पिता को, लिटिल सनशाइन के माता पिता को 12 वैगन लोड्स ऑफ ग्रेन्स, अनाज से भरा हुआ वैगन देता है, 12, और 12 हॉर्सेस भी देता है। क्यों देता है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को खोने का या अपने बेटे से दूर होने का गम ना हो, वो अच्छा वो बुरा महसूस ना करें, उनसे दूर होने का उन्हें कष्ट ना हो, अपनी बेटी से दूर होने का उन्हें कष्ट ना हो। द थिक डार्क फॉरेस्ट ओपन वाइड इन टू पार्ट्स टू लेट द प्रिंस। और इस प्रकार से जो घना जंगल था, अंधेरा हुआ जंगल था, वो खुल गया, ओपन वाइड इन टू द पार्ट्स, खुल गया रास्ते की, रास्ता बन गया वहाँ पर बड़ा सा, ठीक है, क्या हो गया, बड़ा सा रास्ता बन गया, टू लेट द प्रिंस एंड लिटिल सनशाइन थ्रू, उसी रास्ते से जाने के लिए, प्रिंस और लिटिल सनशाइन उसी रास्ते से जाने के लिए वो रास्ता खुल गया। एंड सी वेंट अवे टू बी द प्रिंसेस सनशाइन। और वो वहाँ क्या बन के निकली, क्या बन के गई, प्रिंसेस सनशाइन बन के गई। पहले तो वो लिटिल सनशाइन सनशाइन थी, और प्रिंस से मिलने के बाद, प्रिंस के साथ जब वो जा रही थी, तो क्या बन के जा रही थी उस रास्ते से, प्रिंसेस सनशाइन, ओके, राजकुमारी बन के जा रही थी। ओके यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रिंस ने 12 वैगन लोड्स दिए थे उनके माता पिता को, और यहाँ पे दिए थे क्योंकि उन्हें अपने बेटी को खोने का, उनसे दूर होने का गम ना हो। ओके एंड द थिक डार्क फॉरेस्ट ओपन वाइड इन टू पर्स टू लेट द प्रिंस एंड लिटिल सनशाइन थ्रू। और जो घना घंघोर घना जंगल था, वो खुल गया, रास्ता बन गया प्रिंस को, राजकुमार को, लिटिल सनशाइन को, उसमें से जाने के लिए वो रास्ता बन गया। सी वेंट अवे टू बी द प्रिंसेस सनशाइन। अब वो उसमें क्या बन के जाने लगी, प्रिंसेस सनशाइन बन के गई। द फर्स्ट थिंग सी डिड वॉज टू डिक्री डैट ऑल द टेडी केयर्स इन हर किंगडम शुड बी अ लिटिल स्ट्रिंग ऑफ बेल्स अबाउट देयर नेक्स व्हेन दे प्लेड प्लांट्स एंड बर्ब विद द माइस। उन्होंने ये पहला अनाउंस किया, उसने पहला अनाउंस क्या किया, अनाउंस किया कि सभी राज्य में, सभी अपने अपने राज्य में टेबी केयर्स जो हैं वो क्या पहनेंगी, लिटिल स्ट्रिंग्स ऑफ बेल्स, बेल्स को पहनेंगी अपने नेक में जब वो माउस के, माइस के साथ, चूहों के साथ ब्लाइंड मैन पफ खेलेंगी, तो वो सभी स्ट्रिंग ऑफ बेल्स को पहनेंगी। एंड एवरी मॉर्निंग सी रोड थ्रू द स्ट्रीट्स इन अ गोल्ड चैरियट। और प्रत्येक सुबह वो अपने सोने के रथ के साथ गलियों में जाती थी, बाहर निकलती थी। एंड सी माइट शो हर सनी फेस टू ऑल दर सब्जेक्ट एंड टर्न देयर वर्क इन टू प्ले। और सभी को अपने सनी फेसेस, चमकते हुए चेहरे को दिखाती थी, और इस प्रकार से उनका सभी का काम खेल में बदल जाता था, क्योंकि सभी उनके फेस को देख के खुश हो जाते थे, तो सभी अपना काम बहुत ही अच्छे से करने लगते थे, उनका सभी काम प्ले में बदल जाता था। ओके दिस इज ऑल अबाउट स्टोरी। ओके
Now we will discuss about word meanings. Tended, it means kept and took care. रखना या उनकी किसी चीज़ की देखभाल करना. इंडस्ट्री मतलब होता है हार्ड वर्किंग, किसी को परिश्रमी बनाना. स्मेल मतलब होता है क्लटर. फ्लैक्स मतलब होता है टाइप ऑफ प्लांट फाइबर ऑफ विच इज यूज फॉर टेक्सटाइल. एक प्रकार का प्लांट होता है जिसमें से फाइबर निकलता है जो टेक्सटाइल के लिए यूज होता है. मेडली मतलब होता है हैप्पीली, खुशी से. अनटैंगल मतलब फिक्स, जो एकदम फिक्स हो. क्वाइल्स मतलब होता है रोल्स, घूमता हुआ. स्कटर मतलब मूव्ड अराउंड क्विकली, जल्दी जल्दी मूव करना, घूमना. परचेज मतलब सेट एट द टॉप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर बैठना. डिस्टाफ मतलब अस्टिक और स्पिंडल यूज फॉर स्पिनिंग, स्पिनिंग के लिए घुमाने के लिए जिस स्पिंडल का स्टिक का यूज होता है उसे बोलते हैं डिस्टाफ. स्क्वैट मतलब होता है सेड इन अ शार्प वाइज, शार्प वाइज में कहना. निबन मतलब होता है कट विथ टीथ एंड एट, दांत से काटना और खाना. रैप मतलब होता है लिटिल साउंड, एक हल्की आवाज़. ग्रफ मतलब होता है रूड. हैस्टेन मतलब हरीड, जल्दी करना. फायर मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक. विस्पर्ड मतलब टॉक्ड इन अ सॉफ्ट और क्वाइट वाइज, धीमी आवाज़ में बोलना, हल्की आवाज़ में बोलना, फुसफुसाना. एप्रॉन मतलब होता है क्लॉथिंग यूज्ड वाइल कुकिंग, कुकिंग के दौरान जो कपड़े पहने जाते हैं उसे बोलते हैं एप्रॉन. फॉर्टेज मतलब होता है स्ट्रीम, थोड़ी दूर पर. निबल मतलब होता है क्विक, निबल मतलब क्विक, जल्दी. पॉ मतलब होता है एनिमल्स लिम, एनिमल्स का जो लिम होता है वो बोलते हैं पॉ. क्वेर मतलब होता है ऑड. डिजी मतलब कंफ्यूज्ड. बैंडेज मतलब कवरिंग फॉर बाउंड, हियर इट्स मीन्स द क्लॉथ विच कवर द बियर्स आइज. यहाँ पर वो बैंडेज की बात हो रही है जिससे बियर्स का आइज जो है ढका हुआ था, कवर था. डिक्री मतलब होता है अनाउंस करना. चैरियट मतलब होता है हॉर्स ड्राइवन, कैरिज मतलब एक रथ. चैरियट मतलब क्या होता है? रथ. ओके, आप लोग देखे भी होंगे. ओके स्टूडेंट, यू हैव टू रीड इट दिस चैप्टर, चैप्टर 7 इक्वेशन साइन, एंड फाइंड आउट डिफिकल्ट वर्ड्स, राइट डाउन इन योर इंग्लिश नोटबुक. ओके, एंड आफ्टर डिफिकल्ट वर्ड्स यू हैव टू राइट दिस वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो. ओके, आपको ये वर्ड मीनिंग अपनी इंग्लिश कॉपी में राइट करना है. ओके, डू योर वर्क. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.